अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और नई रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे। आज मंगल वाला दिन है और आपको पता है विपी विप का स्पॉन्सर्ड शो है ये बेक हाउस का, और हमारे साथ शेफ़ शाहिद हैं। और आज की जो रेसिपीज़ दो बना रहे हैं शेफ़ शाहिद वो है कराची फ्रूट बिस्किट्स और है पिस्ताचियो स्विस रोल। ठीक है, स्विस रोल आप एक दफ़ा सीख लीजिए, हालांकि मैंने भी आपको सिखाया है, लेकिन शेफ्स का तरीका आपको पता है बहुत ही एक्सेप्शनल और बहुत ही डिफरेंट होता है। तो देखते हैं शेफ़ शाहिद हमें आज किस तरह सिखाएंगे। तो एक अगर आपने स्विस रोल सीख लिया तो आप उसको अलग अलग फ्लेवर से आप कर सकते हो। ठीक है, तो वेलकम करते हैं शेफ शाहिद को और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपा क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बेहतर रखे, आमीन। चले आपा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकीज की बिस्किट की डो रेडी कर लेते हैं। ठीक है, डो रेडी करके हम इसको रखेंगे फ्रिज में ताकि थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए। ठीक, उसके बाद जो मेरे पास चॉप किए हुए फ्रूट हैं, हाँ, जिनको मुरब्बा जात भी कहते हैं जी, गाजर का मुरब्बा है, सेब का मुरब्बा है और अशरफी है, हाँ, आप अपनी मर्जी से इसमें कोई भी चीज़ और ऐड कर सकते हैं। मसलन ब्लैक करंट यूज़ कर सकते हैं या कोई और दूसरा मुरब्बा जो है वो आप जो भी आपको पसंद है वो यूज़ करें। These are actually the glazed cherries, artificial glazed cherries. अब अगर दुबई वगैरह में ये नहीं मिल रहा है आपको तो आप फिर ओरिजिनल चेरीज ले लो, glazed cherries, वो तो और मज़े का लगेगा। ठीक है, लेकिन लेने इसके लिए आप मुरब्बा जाते हैं। अच्छा, फ्रेश फ्रूट नहीं लेना क्योंकि फ्रेश फ्रूट नहीं, नहीं। हाँ जी, glazed cherries जी, glazed टाइप की आती, बिल्कुल बिल्कुल glazed cherry, फ्रेश फ्रूट तो नहीं। अच्छा, 250 ग्राम आपको मक्खन चाहिए, बटर है 250 ग्राम और उसमें आप आइसिंग शुगर डालेंगे 125 ग्राम्स, पाउडर्ड शुगर इज आइसिंग शुगर, घर की पीसी हुई चीनी भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आइसिंग शुगर आपके पास नहीं है तो। ठीक, 125 ग्राम्स इज 5 ounces, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ ताकि चीनी उड़े ना। ठीक है, बटर मैंने बेक हाउस का लिया है जो कि अभी फिलहाल मार्केट में नहीं आया लेकिन रेडी हमने कर लिया होगा। अच्छा, कर लिया आपने जी? बिल्कुल, ये बेक हाउस से ही रेडी शुदा जो बटर है हमने अभी इसमें R&D पूरी कर लिया। अच्छा, तो मैं ऑर्डर दे सकती हूँ? अभी नहीं आप? अच्छा नहीं, हाँ जी। अच्छा, ये बहुत जल्द इंशाल्लाह मार्केट में आने वाला है। नहीं तो मैं बेक हाउस से तो मंगवा सकती हूँ ना, अभी सेल के लिए नहीं है आप? अच्छा, वनीला, वेनिला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स, नमक, साल्ट 1/4 टीस्पून, अगर आप इसमें सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर नमक नहीं डालना। बटर थोड़ा सा हार्ड था इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। क्रीमी करना है 2 से 4 मिनट तक, फिर इसमें अंडा शामिल करेंगे और दोबारा इसको थोड़ा सा क्रीमी करेंगे, फिर बाकी की ड्राई चीज़ें जितनी भी हैं, मैदा, ड्राई मिल्क, ये देख रहे हैं, बटर जो है इसके लिए सॉफ्ट बटर लेना, हमारे कमरे भी तो स्टूडियो बहुत चिल्ड है। हाँ जी, बेटा
नहीं 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 करें नहीं करें नहीं करें, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे ठंडे उसमें काम करने का। यही चीज़ हम फिर अपने घर में मिस करते हैं, इसीलिए तो मुझे घर में कुकिंग करने का दिल ही नहीं है गर्मी में। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है तो फिर आपने पैडल अटैचमेंट यूज़ करनी है। जब अच्छी तरह से आपका बटर और शुगर क्रीमी हो जाए तो आप इसमें एक अंडा डालेंगे। एक अंडा डालने के बाद आप दोबारा से उसको थोड़ा बीट करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से क्रीमी हो, और इस तरह आपको बीच में रोक के उसको साइड्स डाउन करनी है। मुझे आपसे एक बात पूछनी है शाहिद, 250 ग्राम, मुझे ये हमेशा कंफ्यूजन है, 250 ग्राम बटर 8 आउंस होता है या 10 आउंस होता है? एक आउंस जो होता है वो तकरीबन 25 ग्राम के करीब होता है। हाँ जी, तो इसका मतलब 10 आउंस 10 आउंस हुआ ये यही मेरा 25 ग्राम इज 1 आउंस और 1 पाउंड जो है वो 450 ग्राम का होता है। 1 पाउंड यानी 16 जी। अच्छा 400? 450 ग्राम। अच्छा 500 से कम होता है? हाँ जी 500 से कम होता है। अब इसमें हम अंडा डाल दें। अच्छा क्रीमी हो गया है। अंडा हमेशा अलग तोड़ते हैं, कहीं खुदा ना खास्ता ख़राब हो तो आपका वो पूरा मक्खन और चीनी भी ख़राब हो जाएगी। ब्रेक ले लें जी? ले लें। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है तो हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। इसको 2 मिनट बीट करेंगे अच्छी तरह, फिर इसमें ये सब जाएगा, मैदा, ड्राई मिल्क पाउडर, एनी गुड क्वालिटी मिल्क पाउडर ले लीजिएगा, और वो ये देखें फ्रूट्स चॉप किए हुए हैं, ये वो चीज़ है जो हम जरबे में भी डालते हैं, ठीक है? तो इसको आप मुरब्बा कह लें या अशरफियाँ कह लें या जो भी कह लें, ठीक है? लेकिन जहाँ ये नहीं मिलेगा तो आप ग्लेस चेरीज़, बाहर तो हर कलर की मिलती है, तो आप ग्रीन, रेड, येलो जो भी हो उस तरह फाइनली चॉप करके डाल दें, ठीक है? ब्रेक। कराची फ्रूट बिस्किट्स, अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, पिसी चीनी 125 ग्राम, वनीला एसेंस 5 कतरे, नमक 1/4 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मैदा 375 ग्राम, उष्क दूध 30 ग्राम, ड्राई फ्रूट 130 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे देखें इतना अच्छा डो बन गया है,
मैदा और मिल्क पाउडर भी इसमें जा चुका है, इसमें ज़रा सा भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं है। ठीक है, अभी इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें फ्रूट शामिल करेंगे, फिर अपनी मर्जी की कटिंग करके आप इसको बेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इसको थोड़ी सी देर के लिए आपको फ्रिज में, हमेशा हमेशा कुकीज़ का या बिस्किट्स का जो डो होता है उसको आप डो की फॉर्म में लाने के बाद अगर फ्रिज में रख देते हैं रेस्ट के लिए फॉर हाफ एन आवर और 20 मिनट, उससे आपके बिस्किट्स बड़े क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। ठीक है, तो उधर रख दिया है और फिर उसके बाद जब तक वो ठंडा होता है हम रोल रेडी कर लेते हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए सेकंड रेसिपी आज की हमारी है पिस्ताचियो स्विस रोल। अच्छा, आज आपकी बड़ी मशीन नहीं आई है? नहीं, बड़ी मशीन नहीं है, क्योंकि इसी से करेंगे। हर किसी के पास बड़ी मशीन होती नहीं है, इसलिए मैं जो है ना आज इसी से करूँगा। उसको वो भी बन जाएगा इससे? जी जी, बिल्कुल बनेगा। हेलो मेलिसा। हेलो आंटी, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आर यू हैप्पी टुडे? यस, थैंक यू, आई एम ऑलवेज हैप्पी वॉचिंग योर शो आंटी। ओके, थैंक यू। आई कॉल स्पेसिफिकली टू टेल यू अ रेमेडी फॉर योर कोल्ड। बोलो बेटा। दिस इज व्हाट वी डू इन गोवा। इन यू लाइक एग्स, राइट? आई लव द एग्स। हाँ, तो एक अंडा लो, पूरा अंडा, और उसको पुट 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून शुगर विद द बैक ऑफ द स्पून, नो बीट इट वेरी नाइसली टिल इट बिकम्स चेंजेस फुली कलर। ठीक है, बिकम्स लाइक लिटिल फ्लफी लाइक, नो? ठीक है, एंड देन पुट लिटिल हॉट मिल्क इन इट, और अगर आपको इफ यू डोंट लाइक द मिल्क टेस्ट देन पुट लिटिल कॉफी पाउडर आल्सो अलोंग विद इट। बट आई कांट ड्रिंक दैट कच्चा अंडा, आई एम सॉरी। बट बिल्कुल अंडे का टेस्ट नहीं आता आंटी। इससे बेहतर है मैं उस मिक्सचर का फ्रेंच टोस्ट बना के खा लूं। नहीं, बट आप एक दफा ट्राई तो करो, नहीं आता, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता अंडे का। अच्छा, कॉफी डालो उसमें। अच्छा, कॉफी डाल के पियो। अच्छा, ठीक है, ओके। बट उसके बाद फिर हवा नहीं लेना। हाँ, नो हवा। ओके ओके, नो ब्रीज, एब्सोल्युटली। बट यू विल गेट वेरी 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 नाइस, यू विल गेट। तो इस फ्लू ने मेरी जान निकाल दी। दिस न्यू स्ट्रेन ऑफ द फ्लू वायरस हैज कम, दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। ऑल द कॉलर्स हु आर वाचिंग, आई वुड लव टू, आई वुड एडवाइज देम, when you're fit, take a flu vaccine so you're safe. Now you don't get a flu attack ever. You are right. Pata hai, aur weakness bahut ho gayi hai mujhe. Yes, yes, yes. This flu vaccine, this flu strain that has come is giving you very bad cold and very much weakness. Too much. Actually, fever is not much, but the cold and the weakness is so bad that it takes you a long time to recover. Toba, luck kisi ko bhi nahi. This one you try, auntie. I'll try for one day. I'll do it. Can you please put it on my WhatsApp? I'll send you voicemail. Okay, theek. Yeah? Thank you. I'll send you voicemail. But remember, no hawa. Okay. No fan breeze, no AC, nothing. Achha, theek hai. Because then you will get a worse relapse of the cold. Allah mia, theek hai. Okay, beta. Yeah. Aaj aapne saza diya aunty ko. Bye bye. Chale, aap humne isme 3 ande aur chini jo recipe mein likhi hui hai. 3 eggs, sabat, aur sugar hai isme sirf 45 grams. Vanilla. Vanilla essence 5 drops. Pistachio powder. Ji. Pisa hua pista. हाँ जी, बिल्कुल। ओके, मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे, बहुत छोटे थे, मेरी साल डेढ़ साल, जब उनको सीना भर जाता था, स्पेशली मेरी बड़ी बेटी को अस्थमा है, तो उसको मैं सुबह में एग फ्लिप बना के देती थी, कच्चा अंडा दूध और हनी के साथ, फिर आके उसको सुबह में पिला देती थी, बच्चे थे पी लेते थे। तो इस उम्र के कैसा पी सकते हैं कच्चा अंडा? डबल हो जाए ना? हाँ जी, डबल हो जाएगा, डबल से ट्रिपल हो जाएगा ये। लेकिन बहुत बड़ी बात है, मैं सेल कभी भी नहीं कर सकती, आई डू विद माई कैन मोड। जब पीक बनना शुरू हो जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे दूध और तेल। क्या हो जाए? जब इसका पीक बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो फिर हम इसमें दूध और तेल डालेंगे।
अच्छा मिल्क है इसमें 10 ml, दैट्स लेस देन क्वार्टर कप, 2 tablespoon, ठीक है, 2 tablespoon मिल्क है और 4 tablespoon ऑयल है, हाँ 4 tablespoon, 20 ग्राम लिखा हुआ ना आपने, नहीं ऑयल 20 है, हाँ ऑयल 20 ग्राम लिखा हुआ है और मिल्क 10 ml, बिल्कुल ऐसे पिस्ता पाउडर चीनी, स्विस रोल के लिए जो असल चीज़ है ना वो अंडे का अच्छी तरह बीट होना, फ्लफी होना और एटलीस्ट डबल से ट्रिपल हो जाए आपका मिक्सचर वॉल्यूम में, तो आपका स्विस रोल जबर। अब देखें 3 अंडे का स्विस रोल इतनी बड़ी ट्रे में बनेगा, 12x18 की ट्रे है। आपने पिस्ता पाउडर कर लीजिए, इतना ज़बरदस्त आपने किया हुआ है, इसको बॉइल वॉइल कुछ कीजिए, कच्चा पिस्ता है, जस्ट पिस्ता, पिस्ताचियो पाउडर 100 ग्राम, इसमें नहीं जाएगा, हाँ ऊपर इसमें आप अपनी मर्जी से 1-2 tablespoon डाल लो, 100 ग्राम इसमें जाएगा फिलिंग में, हाँ अच्छा इसकी फिलिंग जी फिलिंग में जाएगा, वाओ तो डिफरेंट, थोड़ा सा जाएगा इसमें पिस्ता पाउडर अबाउट 2 tablespoon, बाकी फिलिंग में जाएगा। अभी इसमें जाएगा फूड कलर, मिल्क इस फूड का, ठीक है, ग्रीन कलर और थोड़ा सा येलो, आप बीट करें मैं पकड़ लेती, इधर हलाइएगा, नहीं अभी नहीं आया, अब आए, नहीं अभी नहीं, चल नहीं आया, अब आ गया, बस प्यारा कलर आया है ग्रीन और येलो डालने से। अभी दूध और तेल शामिल करते हैं इसमें, मिल्क 10 ml, ऑयल 20 ml, इसको थोड़ा सा मिक्स करना है बस, बहुत ज़्यादा इसको फेंटना नहीं है वरना फ्लफीनेस ख़त्म हो जाएगी इसकी, बस अच्छा जी सिर्फ फोल्डिंग दिखानी होगी, ज़रूरी है सुलेमान, फोल्डिंग हमेशा आपको स्पैचुला से करनी है। पिस्ता डाल दीजिए आप, पिस्ता पाउडर 1 tablespoon मैदे में ही मिक्स करके, 1 tablespoon ही डाला है और मैदा है आपका इसमें 45 ग्राम, दोनों को साथ मिक्स करके इसमें डाल के और फोल्ड करेंगे, मैदा एक साथ नहीं डालना, पहले थोड़ा सा डालें फिर इसको फोल्ड करें, ठीक है समझ आ गया ना, इसको फोल्ड करना है, वो बाकी का भी डाल के फोल्ड करेंगे, फिर इसमें आप फ्रूट्स डालेंगे, नहीं फ्रूट बिस्किट के लिए, सॉरी यस
जो डो मैंने फ्रिज में रखी है जब वो थोड़ी सी हाँ, सेट हो जाएगी उसमें हम बस तो उसको आपके सामने फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करके इसमें फैलाएंगे और ये बेक होगा फॉर 10 मिनट्स। जी 10 मिनट के लिए बेक होगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, आके फिर आपको दोबारा समझा दें। ट्रे मेरे पास 12x18 की है। ठीक, उसके लिए 3 अंडे का स्पंज काफी है। पिस्ताशियो स्विस रोल अच्छा, अंडे 3 अदद, चीनी 45 ग्राम, वनीला एसेंस 5 कतरे, पिस्ता पाउडर 100 ग्राम, मैदा 45 ग्राम, तेल 20 मिलीलीटर, दूध 10 मिलीलीटर, रंग 5 कतरे। जी जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा वो डल गया है और ग्रीस ट्रे थी लाइंड विद बटर पेपर। ओके, अभी मैंने इसको फ्रिज से निकाल के इसमें फ्रूट ऐड करता हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई में, आप इसको डिवाइड कर लें। थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग, हो गया है बेटा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपका वेनिला बहुत जबरदस्त है। हाँ जी, अभी मैं बिस्किट के टेम्परेचर के लिए इसको सेट कर देता हूँ। ये जैसे ही निकले इसको कवर करके रखना है कपड़े की मदद से। अच्छा, ताकि ये सूख ना जाए। तो मैं ये नैपकिन डाल दूँ? हाँ जी, नैपकिन डाल दूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम जी, आपका बड़े अरसे बाद बात हो रही है आपसे। बड़ा नंबर ट्राई करते हैं, मिलता ही नहीं। ये मेरे पास स्मूदर है जो आपको बेक हाउस से आराम से मिल जाएंगे। बोलिए जी, क्या कहेंगी? इससे मैं इसकी शेप बना लेता हूँ, स्क्वायर शेप में। क्या कहेंगी बोलिए। हाँ जी, आप एक तो आपके लोग के नंबर नहीं आ रहे किसी भी शोज के ना, वो नंबर चाहिए था महबूब किचन और रिबा का, आपका भी बड़ी मुश्किल से पूरा नंबर मिलाया है। अब ये जब आप फोन बंद करेंगी तो आप मेरे लाइन प्रोड्यूसर से ले, यही नंबर है सारे शोज के, यही नंबर है, इसको सेव कर दीजिए। आप एक और चीज पूछ रही है, खशाश को साफ करने का क्या तरीका है? अच्छा, आप जाएं टीवी तक, मैं बताऊंगी आपको। थैंक यू। खशाश को आप पानी में भिगो लेते हैं, थोड़ी देर भीग जाए उसका पानी फेंकें और उसको दूसरे पानी में भिगोएं, फिर आप उसको छान लें इस तरह करके ना, ताकि उसकी जो नीचे की मिट्टी है वो ना आए और खशखाश निकलती जाए। फिर आप उसको अच्छी तरह से पेपर टॉवल पे या पार्शमेंट पेपर पे फैला दीजिए, सूख जाए, बॉटल भर के रख दें। इस तरह से मैंने स्मूथर की मदद से इसको स्क्वायर शेप में, आप देख सकते हैं कि इस तरह से, पहले मैंने इसको राउंड रोल की तरह बनाया। सिंपल, ये बिस्किट मिलते हैं कराची पे बेकरीज पे, बहुत इजी है। बेटा मैंने तो अपने घर के पास की भी जो बेकरी है यूनाइटेड किंग वगैरह वहाँ पे भी देखे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। सॉरी बेटा, सॉरी, अल्लाह का शुक्र है बेटा। किसी बोर्ड पे या कटिंग बोर्ड पे इसको रख के बेहतर लग रहे हो पहले से? बेहतर हूँ, लेकिन वीकनेस बहुत है मेरे में, बहुत ज्यादा। आप उसके लिए थोड़ा सा जो मिलिसा ने बताया वो कीजिए प्लीज आप। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा आप मुझे चेकटाइज से बात करनी है। करें जी जी। तालुक शाहिद भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं भी कुछ ठीक ठाक। शायद भाई आपको बस मेकर से बहुत बहुत शाबाश,
और आपके जितने भी शोज हैं बहुत जबरदस्त, पिछले वीक का शो के लिए मैंने अगले दिन कॉल करके आपको अप्रिशिएट किया था, बहुत अच्छा काम माशाल्लाह कर रहे हैं आप। थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मोना तारिक ने की है, डिलीजिया कुकीज जो कराची में आजकल कुछ बिकी है वो है, मतलब उसकी कुकीज जो है डिलीजिया कुकीज के नाम से ही है। जी जी, वो सिखा दीजिए। वो ठीक है, इंशाल्लाह अगले शो में मैं वो सिखा दूंगा। आप आती है इनको क्या नहीं आता? नहीं नहीं, आप मुझे पता है, मतलब खाई भी है वो, देख कर ही मतलब होता, देखी नहीं है या खाई, ये इनसे मेरी मुराद है। जी जी, आप बेफिक्र हैं, मैं सिखा दूंगा इंशाल्लाह। जी, और अगर नहीं है तो मेरे पास उसकी पिक्चर है, मैं आपको सेंड कर दूँ। हाँ, अभी आप उनको देख ठीक है, आप कर दीजिएगा मुझे। ठीक है जी, मैं कर दूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे, जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा फिर इसकी कटिंग जो है वो आसानी से हो जाएगी। After making them into logs, और आपने देखा कितनी नीटली इसको ऊपर से भी हल्के से किया, साइडों से भी किया, और ये होता है फॉन्डेंट का स्मूदर। जी बिल्कुल, फॉन्डेंट स्मूदर है ये, बेकआउट से मिल जाएगा आपको, आप ये ले लें और इसे आप करें। ये मैंने पहले से रखे हुए हैं। ओह हाउ नाइस, हाउ स्मार्ट, ये आपने ज़बरदस्त काम किया है शाहिद। वाकई टाइम नहीं, मैं यही सोच रही थी 20 मिनट में कैसा ठंडा होगा और कैसा बेक होगा, जबरदस्त। बटर पेपर में करके रख दीजिए। ये देखें इतने जमे हुए होने चाहिए, ये इसके लिए एक तेज नाइफ चाहिए। ये लाइन में हटा देते, नहीं वो तो कच्चा मैदा होगा। सलमान कह रहे हैं बर्फी लग रही है। हाँ जी, सेम है, सेम जो मलिसा आपने पिक्चर भेजी थी, सेम इज टू गुड माशाल्लाह। उनैद का है, उनैद भी दे रहे लाहौर? नहीं इधर ही आपा। अच्छा, बहरहाल आप नेक्स्ट वीक के एक शो करा के फिर जाइएगा। जी इंशाल्लाह। अच्छा, इसको करीब करीब रख सकते हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा फैलेंगे नहीं, बेकिंग पाउडर नहीं है इनमें। ओके, ना ही इनमें बेकिंग सोडा। अच्छा जी। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है, बस इसको हम डाल रहे हैं 180 डिग्रीज पे, ये बेक होंगे फॉर 15 से 20 मिनट, 20 मिनट्स 160 पे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कराची फ्रूट बिस्किट्स अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, पिसी चीनी 125 ग्राम, वनीला एसेंस 5 कतरे, नमक 1/4 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मैदा 375 ग्राम, उष्क दूध 30 ग्राम, ड्राई फ्रूट 130 ग्राम। क्रीम लिए विपी विप की, पिस्ताचो, नहीं ये देखें इसका, वो देखें पतला बनाया है। विपी विप की विप क्रीम, सिर्फ क्रीम है बेटा? जी क्रीम में कंडेंस मिल्क है। अच्छा, क्रीम और कंडेंस मिल्क है और इसमें पिस्ता डाल दिया। क्रीम कितनी थी, कंडेंस मिल्क कितना था? ये मैंने क्रीम जो रेसिपी में बताई हुई है वो है 2 से 3 रोल के लिए। अच्छा ठीक है, तो आप उसका हाफ कर लें। अच्छा, इसमें है ही नहीं 200 ग्राम लिखी हुई है आप, 100 ग्राम पिस्ताचो पाउडर है, इसमें नहीं है, आप 50 ग्राम लिख लें, ये लिखी हुई है आप, 50 ग्राम कंडेंस मिल्क है,
50 grams of condensed milk and 200 grams of whipped cream. और 100 ग्राम पिस्ताचियो पाउडर है. ठीक है. ये तीनों चीजें मिक्स करके इसकी. हाँ बस बेटा बस. बेटा टाइम नहीं है. अच्छा. जी. बेटा ये बोल इधर करो इस पे. सॉरी. इसको लगाने के बाद रोल करना. रोल करने के बाद इसको फ्रीजर में कम से कम एक घंटा रखें. जब अच्छी तरह जम जाए तो फिर इसकी कटिंग करनी है. अच्छा ऊपर क्रीम नहीं आएगी. नहीं इसके ऊपर नहीं है. पाइपिंग से डेकोरेशन आएगी. ओके. तो आपने ये भी एक बना के लाए. हाँ जी. ओके. रोल किया है मेरे पास शायद. आप वो बोल दीजिएगा. रोलिंग का प्रोसेस देख लीजिए. पेपर खिसकाते जाएं. पेपर पहले मैंने रिमूव कर लिया था इसको बेक होने के बाद. अगर आप इसको एक दिन पहले बना के रखें तो ज्यादा बेहतर है. Just see the beautiful color. I love green color. Zabardast, zabardast, zabardast. Mashallah, mashallah. हम आपकी तरह कब बनेंगे? जी, इंशाल्लाह. हम आपकी तरह कब बनेंगे? बहुत जल्द इंशाल्लाह. ब्रेक है भाई. निकाल लें. क्या चाहिए? कटिंग बोर्ड चाहिए था मुझे. कटिंग बोर्ड है ना इधर. चलें हम ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक से आते हैं जब तक कटिंग बोर्ड और सब आ जाता है. ठीक है मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. कराची फ्रूट बिस्किट्स अज्जा. मक्खन 250 ग्राम, पिसी चीनी 125 ग्राम, वनीला एसेंस 5 कतरे, नमक 1/4 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मैदा 375 ग्राम, उष्क दूध 30 ग्राम, ड्राई फ्रूट 130 ग्राम. तरकीब: एक बोल में मक्खन, चीनी, वनीला और नमक को एक साथ अच्छी तरह मिक्स करें. जब क्रीमी हो जाए तो उसमें अंडा अच्छी तरह मिक्स करके खुश्क अज्जा डालें. फिर डो तैयार करके 15 मिनट फ्रिज में रख दें. अब ड्राई फ्रूट शामिल करके अपनी पसंद की शक्ल के बिस्किट बनाकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके सर्व कर दें. पिस्ताशियो स्विस रोल अज्जा: अंडे 3 अदद, चीनी 45 ग्राम, वनीला एसेंस 5 कतरे, पिस्ता पाउडर 100 ग्राम, मैदा 45 ग्राम, तेल 20 मिलीलीटर, दूध 10 मिलीलीटर, रंग 5 कतरे. तरकीब: एक बोल में अंडे, चीनी और वनीला डाल के फ्लफी होने तक विस्क कर लें. अब मैदा शामिल करके बैटर से बीट करने के बाद तेल और दूध शामिल करें और 12x18 की बेकिंग ट्रे में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट बेक करें. ठंडा होने के बाद 200 ग्राम विप कीवी विपी विप क्रीम में 100 ग्राम पिस्ता पाउडर रंग और 50 ग्राम कंडेंस मिल्क मिक्स करके फिलिंग तैयार कर लें. अब रोल पर फैलाएं और रोल करके 30 मिनट फ्रीज कर दें. क्रीम की फ्रॉस्टिंग करके कटिंग करें और टॉपिंग करके सर्व कर दें. Now, just see this. Just see the neatness. Wow. पानी हमेशा की तरह मैं जैसे कहता हूँ कि पानी गर्म होना चाहिए कटिंग के लिए स्पेशली. निकालना है? नहीं आप अभी नहीं. पांच मिनट है.
जी हो गया बस। ये वही क्रीम है जो मैंने इसकी फिलिंग में। अच्छा, वही फिलिंग जिससे अंदर की है ना, वही वाली क्रीम है। अच्छा, ये जेल है, जेल न्यूट्रल ग्लेज। प्लीज आज का शो आप लोग शाम में एक और दफा देखिएगा, 6 से 7। पता है इससे क्या होगा, आप कभी भी ये दोनों रेसिपीज नहीं भूलोगे, आपके दिमाग में बस जाएगी। पिस्ता है मेरे पास चॉप किया हुआ। एक्सीलेंट शाहिद, यू आर टू गुड, माशाल्लाह। थैंक यू पापा। थोड़ी सी चॉकलेट मैंने जमा के रखी है। अल्लाह, इस पे और है, क्या बात है आपकी। जितने मेरी फैंस जो केटरिंग करते हैं, इंट्रोड्यूस दिस इन योर केटरिंग एज पिस्ताशियो पेस्ट्रीज। ओ माशाल्लाह, ये एक और चाहिए मेरे? हाँ जी, नहीं। अच्छा, दोनों हो गए? ओके, दोनों हो गए। हाँ बेटा, अच्छा बस आप बिस्किट्स को निकालें ताकि थोड़ी सी और प्रेजेंटेशन आ जाए हमारे टेबल पे, ये मैं रख देती हूँ। जी बस। मलिसा, आपकी फरमाइश अच्छी थी, वेरी नाइस। बस 2 मिनट आप इनको ठंडे होने थे। अच्छा, सुलेमान की भी फरमाइश बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस। सो नेक्स्ट वीक वी विल डू, हाँ बेटा, वेरी वेल, सो प्रोफेशनल। नेक्स्ट वीक हम कराएंगे डेलिजिया की कुकीज, मैंने दिखा दी है इनको पिक्चर। सॉरी, एक मिनट है बस, हो गया। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल बहुत ज़बरदस्त मेन्यू है, मिस नहीं कीजिएगा कल का शो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ मुझे रखे तो कल हम आपको सिखाएंगे बीफ बिरयानी, कराची बीफ बिरयानी और लजीज चांपे चॉप्स या मसाला चॉप समथिंग लाइक दिस एंड लच्छा पराठा। ठीक है, तो
तो कल का शो मिस नहीं कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आपका, जज़ाकअल्लाह। और नेक्स्ट वीक आप प्लीज़ हमारा दो शोज करके जाइएगा जी, इंशाल्लाह। ठीक है, एक मैं दिलेजिया कुकीज़ होंगी और हम कोकोनट कुकीज़ का बोल रहे हैं, और फिर आप दो चीज़ें बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अपना बहुत थैंक यू सो मच शाहिद। ओके अपा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग एंड फॉर एप्रिशिएटिंग हिज वर्ड। ही रियली नीड्स अ बिग हैंड एंड अ एप्रिसिएशन। थैंक यू अपा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.